दोस्तों, अगर आप लोग SBI के कस्टमर हैं और आप योनो SBI को चला रहे हैं और उसके साथ साथ जो है आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे भी चला रहे हैं, तो भाई साहब आप इन तीनों एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है योनो SBI ही आपका सारा काम कर देगा। यहाँ पर क्या लिखा है, इन सब ऐप को देगा टक्कर योनो SBI, क्योंकि भाई योनो SBI में भी UPI का ऑप्शन है। आप योनो SBI में जाइए, वहां से UPI क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, UPI क्रिएट करके जो है आप अपने मोबाइल नंबर से QR कोड से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो काम आप फोन पे या पेटीएम से करते हो, वही काम जो है आप अपने योनो SBI से भी कर सकते हो, अगर आप SBI के कस्टमर हैं तो। अगर आप SBI के कस्टमर नहीं भी हैं और आपका खाता किसी और बैंक में, तब भी आप योनो SBI चला सकते हो और UPI को चालू कर सकते हो। भाई साहब बहुत तंगड़ा अपडेट है, और ये जो अपडेट है भाई बहुत पहले आ चुका है योनो SBI में, इसका वीडियो भी मैंने बहुत पहले बना दिया, लेकिन आज फिर से हम इसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि योनो SBI में हम ये भी काम कर सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कैसे हम योनो SBI में UPI बना सकते हैं, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना, आज की इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे। तो चलिए आपका वीडियो शुरू करते हैं। लोगों को योनो SBI ओपन करना है, फिर यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर फॉर UPI, आपको रजिस्टर फॉर UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी परमिशंस मांगता है उनको हम अलाउ कर देंगे। अलाउ कर देने के बाद यहाँ पर सिम वेरिफिकेशन होता है, जो भी सिम आपके अकाउंट में लगी है उस पर आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा वेरिफिकेशन होने में, लेकिन जो आपका वेरिफिकेशन है यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है भाई ये नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे खुद चला जाएगा। फिर यहाँ पर एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर लगा है उस पर OTP जाएगा। OTP यहाँ पर डाल दें। OTP डालने के बाद यहाँ पर आप अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी बैंक आपकी, यहाँ पर आप वो बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन करें। ठीक है, यानी कि जब आप बैंक सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पर जो है आपको एक UPI हैंडल बनाना है, जैसे हम UPI ID बनाते हैं वैसे हम UPI हैंडल बनाते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पर एक UPI हैंडल बना देना है। UPI हैंडल बनाने के बाद यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नीचे आपको UPI हैंडल दे भी रहा है एग्जाम्पल में, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर UPI जो बना लोगे, उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेता है। फिर यहाँ पर जो है नीचे टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर लिख के आ रहा है यूज UPI नंबर। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो हमारी UPI है वो सक्सेसफुल बनके रेडी हो चुकी है। ठीक है, कुल मिला के अब जो हमारा योनो SBI का UPI सिस्टम है वो चालू हो चुका है। अब हम जो है UPI से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, किसी को भी QR कोड स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं, वो भी डायरेक्ट अपने अकाउंट से। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पेटीएम या फोन पे गूगल पे को यूज करें। ठीक है, यहाँ पर सेट MPIN का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको एक MPIN सेट कर लेना है। फिर यहाँ पर सेट MPIN दोबारा से करेंगे, तो यहाँ पर आप कोई भी एक MPIN सेट कर लीजिए जो कि लॉगिन MPIN होता है। जब भी आप योनो SBI को ओपन करेंगे तो यहाँ पर MPIN मांगेगा, तो MPIN सेट करने के बाद यहाँ पर राइट टिक कर देंगे। जैसे राइट टिक करेंगे यहाँ पर इनेबल बायोमेट्रिक लॉगिन भी दे रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब आपका बायोमेट्रिक लॉगिन भी हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका पेज आ जाता है। यहाँ पर आप कैसे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। किसी भी बैंक अकाउंट में कीजिए, किसी भी मोबाइल नंबर में कीजिए, किसी का QR कोड लेके कीजिए, मतलब आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्ट यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जा सकते हैं, आपकी दिक्कत को हम दूर कर देंगे। यहाँ पर आप बहुत सारे काम कर सकते हो, कुछ इस तरीके से स्कैनिंग करके पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।